हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी लोगों का जीके रिव्यू चैनल पर स्वागत है। आई होप यू गाइज आर गुड एंड फाइन। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे यूनाइटेड टूवर्ड्स कोविड-19। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और आपके फैमिली के अंदर जो भी एल्डरली पर्सन है या सीनियर सिटीजन पर्सन है, उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। सो चलते हैं हमारे सेशन के ऊपर। आज का जो सेशन है वो है 18 मई 2020 के डेली क्विज के क्वेश्चंस। इसके अंदर मैं 18 मई के जो भी करंट इवेंट्स हुए थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का हेल्प और सपोर्ट चाहता हूं ताकि इस चैनल को अच्छी ग्रोथ मिल सके। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट द चैनल ताकि मैं आगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। और अगर कंटेंट की बात करें तो 3 से 4 न्यूज़पेपर का कोलैबोरेटेड करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स मैं लेता हूँ इसके अंदर। जैसे कि हमारा हो गया बिजनेस स्टैंडर्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब का कोलैबोरेटेड करंट इवेंट्स लेके आता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स फ्रॉम जीके रिव्यू चैनल। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू MD ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन बने हैं? वो बने हैं जुबैर इकबाल। सो आइए थोड़ा सा जुबैर इकबाल के बारे में पता कर लेते हैं। ही इज़ द सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ऑफ HDFC बैंक, जो कि अब नए MD हो गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। पहले आपके RK छिब्बर थे, राजेश कुमार छिब्बर थे, अब उन्हें वापस रीअपॉइंट करा गया है चेयरमैन की पोजीशन पे फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सो आपको बैक डेटा भी पता होना चाहिए किसी भी अपॉइंटमेंट का, कि इससे पहले कौन अपॉइंटेड थे, जो नए MD कौन बने, नए चेयरमैन कौन बने उस बैंक के, और थोड़ा बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। तो थोड़ा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में भी पता कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर, ईजी टू रिमेंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? श्रीनगर। और टैगलाइन क्या है? सर्विंग टू एम्पावर। क्लियर स्टूडेंट्स? लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास, विच साइक्लोन इज एस्टिमेटेड टू मेक अ लैंडफॉल बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड हाथिया आइलैंड्स ऑफ बांग्लादेश। सो बताइए, आपको पता ही है कि ये जो न्यूज़ है बहुत करंट में चल रही है, अभी बहुत करंट में चल रही है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है अम्फान साइक्लोन। थोड़ा सा अपन को नॉलेज होना चाहिए कि साइक्लोन का नाम क्या है। ये साइक्लोन का नाम किसने दिया? ये दिया हमारे थाईलैंड कंट्री ने। क्लियर है? थाईलैंड ने इस साइक्लोन का नाम रखा है अम्फान साइक्लोन। इज दैट क्लियर? और थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि किस, मतलब ये संभावना है कि ये वेस्ट बंगाल और हाथिया आइलैंड है बांग्लादेश के बीच में, इसके कहीं ना कहीं बीच में ये घूमेगा और अफरा तफरी मचाएगा यार। क्लियर है? सो हम यही होप करते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल की तरफ ना आए, बल्कि किसी भी जगह पे ना आए। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 मई एवरी ईयर। सो इंटरनेशनल म्यूजियम डे की क्या थीम है? आपको पर्टिकुलर डे का जो इवेंट है या डे है, फेमस डे है या इम्पॉर्टेंट डेज है, उनका डे तो याद करना ही करना है, वो डेट याद करनी ही करनी है, साथ में थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। थीम क्या है इंटरनेशनल म्यूजियम डे की? म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्लियर है? इट इज़ द थीम फॉर 2020, दैट इज म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव, व्हीकल्स विद नॉन फंक्शनल और इनवैलिड फास्ट टैग्स विल बी लिवाइड हाउ मच ऑफ टोल फी। मतलब जो आपके जो व्हीकल्स है जिनके जो फास्ट टैग है वो क्या नॉन फंक्शनल है या फिर इनवैलिड है, तो उनके ऊपर कितना टैक्स या कितना चार्ज लिया जाएगा एज अ टोल फी। सो इसका आंसर है डबल, क्योंकि आपको पता है जो फास्टैग, हमारे पास जो फास्टैग्स होते हैं उनकी क्या एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट के बाद वो क्या नॉन फंक्शनल या फिर इनवैलिड हो जाते हैं। अगर कोई भी व्हीकल पाया जाता है इनवैलिड या नॉन फंक्शनल फास्टैग से, तो उनके ऊपर जो टोल फी होगा वो डबल लिया जाएगा। और अगर आप अपना व्हीकल, अगर फास्टैग वाली जो कॉलम या रो है, मतलब जहाँ पे फास्टैग टिकट्स कटते हैं, पेमेंट होती है, अगर उस स्टैंड पे भी आप अपना व्हीकल लगाते हो
लगाते हो बाई चांस और पता चलता है कि आपके पास फास्टैग नहीं है, तो उस केस में भी आपके क्या जो टोल फी है वो डबल लगेगा। क्लियर है? सिंपल सा है, मतलब ये लाइन अगर हमारे फास्टैग व्हीकल की है जो यहाँ पे आते हैं और टोल फी देते हैं, और आपका व्हीकल है जब आपको पता है आपके व्हीकल में फास्टैग नहीं है फिर भी आप इस लाइन में घुस जाते हो, क्लियर है, तो आपके क्या हो जाएगा डबल फास्टैग फी लगेगी। क्लियर है? अगर इनवैलिड पाया गया तो आपको पता ही है फास्टैग क्या कि कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है। क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टोल का जो पेमेंट होता है वाया फास्टैग, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं? अपन लेते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्या काम में लेते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी। कभी कभी जैसे अगर बैंक्स की बात करूँ तो इनके अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि टोल पेमेंट के अंदर जो फास्टैग तो यूज़ हो रहा है इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहा है? अपन कर रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बुक वाला क्वेश्चन है, द बुक टाइटल्ड एज वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी ऑथर्ड बाय। सो हमारे पास एक बुक है वुहान डायरी, इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है फेंग फेंग, एक चाइनीज लिटरेरी पर्सन है जिन्होंने ये बुक लिखी है। ये बुक इसके ऊपर है कि 16 डेज का जो टाइम पीरियड था लॉकडाउन का, उसके दौरान चाइनीज पीपल ने कैसे सर्वाइव किया, कैसे लोगों को क्वारंटाइन कर रखा, कैसे मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी थी, जो भी जो प्रॉब्लम्स थे जो फेस किए थे लॉकडाउन के पीरियड में वो बता रखा है। क्लियर है? सो इस ऑथर का नाम है फेंग फेंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव नोटेड मराठी ड्रामेटिस्ट लिटरेचर थिएटर पर्सनैलिटी एंड नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, जो हालांकि क्या मुंबई के अंदर उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? वो है रत्नाकर मटकरी। क्या नाम है उनका? रत्नाकर मटकरी। ही इज वेल नोन मराठी ड्रामेटिस्ट एंड लिटरेचर थिएटर पर्सनैलिटी है ये, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। क्लियर है? सो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो अभी हालांकि रत्नाकर मटकरी है, इन पर्सन का जो निधन हुआ है, ये कौन सी फील्ड में वेल नोन थे? तो आपके पास आएगा मराठी ड्रामेटिस्ट आएगा ऑप्शन में, या लिटरेचर आएगा, तो सारे तो ऑप्शन डालेंगे नहीं, एक पर्टिकुलर ऑप्शन डालेंगे तो आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव चरण पादुका कैंपेन है, जिसका हिंदी में है चरण पादुका कैंपेन, हैज बीन स्टार्टेड फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट, नेम द स्टेट। एक चरण पादुका कैंपेन स्टार्ट कर रखा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट से जो माइग्रेंट लेबरर्स है वो पास हो रहे थे। क्लियर है? उस जिस स्टेट से पास हो रहे थे उस स्टेट ने वो कैंपेन चलाया चरण पादुका। सो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। क्लियर है? सो मध्य प्रदेश इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, मैं बता देता हूँ चरण पादुका के अंदर, इस कैंपेन के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास जो माइग्रेंट लेबरर्स है उस अगर मध्य प्रदेश स्टेट से पास करेंगे तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया ताकि वो क्या प्रोवाइड करें, उनको स्लीपर्स, क्लियर है, या शूज़ प्रोवाइड करें, ताकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल कर रखे, उनकी जो पेनफुल जर्नी है वो रिड्यूस हो सके, मिटिगेट हो सके। क्लियर है? सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी सिंगर्स हैव कंपोज अ सॉन्ग टाइटल्ड जयतो भारतम वासुदेव कुटुंबकम। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉन्ग है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने हमें ट्वीट करके बताया है, ये गीत हर किसी को उत्साहित और प्रेरित करने वाला है, इसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए सुरों से सजा उद्घोष है। क्लियर है? आपको नेम से नहीं पता चला होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया है उससे तो पता चल गया होगा। सो कितने सिंगर्स हैं इसके अंदर? टोटल 211 सिंगर्स हैं, आपके जो लेजेंडरी सिंगर्स हैं जैसा आशा भोसले मैडम है, लता मंगेशकर मैडम है, सो ये सब इन्वॉल्व थी इस गाने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस सॉन्ग इज फॉर टू एनकरेज द पीपल कि आप आत्मनिर्भर रहें। क्लियर है? आप स्ट्रांग बनिए, और जो कुछ भी हमारे साथ जो इंसिडेंट हो रहा है अभी, जो पेंडेमिक हो रहा है, ये इसी के लिए है कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाए, टू अलाइव आर स्पिरिट्स एंड सोल। इज दैट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव अ नॉवल टूल टू हेल्प गेन डीपर इंसाइट्स इनटू
पार्किंसंस डिजीज विच विल बी असिस्टेड बाय, एक टूल बनाया गया है ताकि अपन ज़्यादा रिसर्च कर सके पार्किंसंस डिजीज के ऊपर। ये कौन सी आईआईटी ने बनाया है, ये कौन सी आईआईटी ने बनाया है? सो आईआईटी धनबाद हैज इनिशिएटेड अ टूल टू हेल्प गेन डीपर इंसाइट, इंसाइट मतलब डीपर रिसर्च करना, इसके ऊपर खोज करना पार्किंसन डिजीज के ऊपर। और इसके साथ साथ दो और इंस्टीट्यूट का इसके साथ कोलैबोरेशन है, जैसे CSIR डेट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, इन दोनों का कोलैबोरेशन है। इन्होंने टीम अप किया है आईआईटी धनबाद के साथ टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड पार्किंसंस डिजीज विच इज़ अ कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज विद नो क्योर। थोड़ा सा बता देता हूँ पार्किंसन डिजीज के ऊपर, इसका अभी तक क्योर नहीं है इसलिए इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपके जो मोटर स्किल्स होते हैं या मोटर नर्व्स होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते या काम करना बंद कर देते हैं। जो आपके जो वो सिग्नल जो आपके ब्रेन की तरफ जाते हैं वो क्या डिसेबल्ड हो जाते हैं और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है ब्रेन रिलेटेड टू, क्योंकि न्यूरो इटसेल्फ मींस ब्रेन। जैसा आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको एंगर होता है, एगेशन होता है, क्लियर है? सो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। सो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, हल्का सा थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, क्लियर है स्टूडेंट्स? सो लॉस ऑफ मेमोरी, गुस्सा आना और मतलब क्या कहते हैं बीच बीच में मेमोरी गैप्स आने, मतलब कभी आपको सब कुछ पता चल रहा है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल चल रहा है फिर एकदम से मेमोरी स्लैश आ जाता है, गैप आ जाता है। सो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी आज का सेशन यही ख़त्म होता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू द जीके रिव्यू चैनल ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो क्लियर है स्टूडेंट्स? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।